हर जोर जुल्म के टक्कर में मुख्यमंत्री वादा निभाओ, मुख्यमंत्री वादा निभाओ, सम्मेलन में की गई घोषणा पूरी करो, सम्मेलन में की गई घोषणा पूरी करो, शासकीय कर्मचारी घोषित करो, शासकीय कर्मचारी घोषित करो, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे है छत्तीसगढ़ कोटवार को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी मांग है जो 2018 विधानसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे कि कोटवारों को ग्राम विकास प्रशासनिक सेवा में रखते हुए चतुर्थ श्रेणी की भांति सुविधा प्रदान करने। तीसरी मांग है मालगुजारी जमीन जो पूर्व सरकार द्वारा छीन ली गई थी उसको वापस करने की भूपेश सरकार वादा किए थे उनको अमल में लाए जाए। अब आगे हमारे आज के दिन में महज 2,250 से 4,500 के पारिश्रमिक राशि में घर का बाल बच्चे का एवं माता पिता का इलाज का कहे या आर्थिक संकट कई संकट से जूझना पड़ रहा थे कि हमारे जो आज की स्थिति है हर स्तर में महंगाई है। आज वो यदि शासकीय कर्मचारी घोषित करते हैं, यदि शासकीय कर्मचारी घोषित करने में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है तो कम से कम छत्तीसगढ़ कोटवार को कलेक्टर दर पे मानदेय वृद्धि किया जाए। धरना प्रदर्शन के बावजूद भी यदि हमारे मांगे पूरी नहीं की जाती सरकार तो आगामी समय में हम लोग जिला स्तरीय का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी यदि नहीं मानती है सरकार तो हम लोग प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के 16,000 कोटवार उपस्थित रहेंगे। उसमें भी यदि किसी को परेशानी हुई या आने जाने में उस धरना प्रदर्शन के अंदर यदि किसी की मौत भी हो जाती है जिसकी संपूर्ण जवाबदारी छत्तीसगढ़ शासक मुख्यमंत्री भूपेश काका की होंगे। कोटवार एकता।